फाइनली जिस जुरासिक पार्क के डायनासोर को देखने के लिए इंडिया के पूरे लौंडे आंखें फाड़े हुए बैठे हैं, उस रेबल प्रभास की मोस्ट वायलेंट फिल्म सलार के मैड मैड क्योस से भरा ट्रेलर 1 दिसंबर को माइंड को ब्लास्ट करने के लिए आ रहा है। तो इसी बात पर चलिए जानते हैं सलार के भौकाल से भरे एनर्जेटिक ट्रेलर के अंदर वो कौन से जबड़ा फाड़ के रखने वाले एक्स फैक्टर देखने को मिलेंगे जिसे देख कर लिटरली रोंगटे खड़े हो जाए। तो मुद्दे की बात ऐसी है कि कोई माने या ना माने, ऑडियंस और फैंस इस बात को लेकर सुपर कॉन्फिडेंट है कि द मोस्ट वायलेंट मैन सलार वो मूवी होगी जो मॉन्स्टर केजीएफ यूनिवर्स को बहुत ही तगड़े तरीके से सेटअप करेगी। तो दिल को सिनेमैटिक ऑर्गेज्म देने वाला क्वेश्चन ये है कि क्या सलार के मैड मैड ट्रेलर में केजीएफ के हैंडसम रेफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो अब यहाँ पर पूरा लॉजिक लगाते हुए अपने एक्सपेक्टेशन को पूरा न्यूट्रल करके देखा जाए तो इतने इजी वे में सलार के मेकर्स इस बॉम्ब्लास्टिक फैन सर्विस को सलार के 2.5 मिनट के ट्रेलर में दिखाकर उसे स्पॉइल नहीं करेंगे। बट प्रशांत नील ने सलार के टीजर को जितने स्मार्ट वे में काटा था, आई मीन बंदे ने जिस तरीके से केजीएफ चैप्टर 2 के पोस्ट क्रेडिट सीन के लोकेशन को ऑडियंस और फैंस के पल्स को ट्रिगर करते हुए माइक्रो सेकंड के अंदर दिखाया था, उसी का ही क्योटिक थंडरस रिजल्ट ये निकल के आया था कि केजीएफ सलार के कनेक्शन को आइडेंटिफाई करते हुए सलार के टीजर की छप्पड़ फाड़ लेवल की हाइप बन चुकी थी। तो इस लॉजिक के हिसाब से देखा जाए तो डेफिनेटली अगर मॉन्स्टर केजीएफ किसी भी एंगल से सलार मूवी के साथ कनेक्टेड है, जो कि 99.9% डैम श्योर होगी ही, तब तो बिल्कुल एक या दो केजीएफ के तगड़े रेफरेंसेस हमें सलार के ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेंगे। और इस बात को मैं डोंकी के चोट पर कह सकता हूँ कि अगर ऐसा होता है तब भाई साहब इस मैडनेस से भरी चीज को देखने के बाद बचे हुए 1 fucking month के अंदर सलार केजीएफ के यूनिवर्स को लेकर इनसेन लेवल की मार्वलस फैन थ्योरीज की सुनामी आएगी। बट इसके अलावा भी ये बात जनहित में जारी हो चुकी है कि केजीएफ चैप्टर 2 के साइड क्रूशियल कैरेक्टर फरमान और फातिमा जिनके इमोशन के ऊपर जोरदार फोकस करते हुए प्रशांत नील ने चैप्टर 2 में जिस तरीके से सलार को सेटअप किया था, आई मीन वो अनएक्सपेक्टेड अंडररेटेड कैरेक्टर सलार मूवी के अंदर 100% रिटर्न तो करने ही वाले हैं। बट के सलार मूवी के ये की कैरेक्टर्स हमें ट्रेलर के अंदर देखने को मिलेंगे। तो इस पर अपने एक्सपेक्टेशन के बार को पंप ना करते हुए मैं यही कहूंगा कि 50-50% के पॉसिबिलिटी के साथ इन दोनों में से एक कैरेक्टर सलार के ट्रेलर में अपने प्रेजेंस से एक मिस्टीरियस क्यूरियोसिटी से भरी छाप छोड़ सकता है। वही केजीएफ यूनिवर्स के रबड़ी रोने को भी एक तरफ से साइड में रखकर देखा जाए तब भी द मोस्ट वायलेंट मैन सलार मूवी का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर होगा उसका रॉ सैवेज ब्रूटल एक्शन। क्योंकि तुम में से जो भी बंदा सलार मूवी को अपने इनिशियल से फॉलो कर रहा है उन सभी लॉन्डो को पता है कि सलार के मेकर स्टार्टिंग से ही चीखते हुए ये कहते आए हैं कि रेबल प्रभास के फ्रिकिंग सलार मूवी इंडिया की मोस्ट वायलेंट फिल्म में से एक है और सलार के कैरेक्टर को भी द मोस्ट वायलेंट मैन के तौर पर ही मार्केट किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो सलार मूवी के अंदर टोटल 24 कैरेट का प्योर आर रेटेड एक्शन ही होना चाहिए। कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि खून की नदियां बहनी चाहिए और ये जाहिर सी बात है कि उस ब्रूटल सैवेज एक्शन के ग्लिम्स सलार के ट्रेलर में पंप करते हुए दिखाया जाएगा। अब रही बात यहाँ पर सलार मूवी के सबसे बड़े एक्स फैक्टर इस फिल्म की आन बान शान रेबल प्रभास की, तो बेसिकली टेक्निकल पर्सपेक्टिव से सलार के कैरेक्टर को और मूवी में उसके जी फाड़ के रखने वाले पर्सोना की बात करूँ तो रेबल प्रभास का ये मैड मैड ब्लडी कैरेक्टर बंदे के करियर की आइकॉनिक फिल्म छत्रपति से हेवीली इंस्पायर है और उस बैडेस कैरेक्टर के ऑरे को प्रशांत नील ये बंदा सलार मूवी के अंदर कितने डेडली तरीके से प्रेजेंट करता है। प्रभास के उस सुल्तानी ऑरे को देखने के लिए मैं अभी से ही पागल हुआ बैठा हूँ। और अगर किसी बंदे को सलार का कैरेक्टर कितना वायलेंट और डेडली हो सकता है तो उसका सीरियस ग्लिम्स देखना है, तब तो मैं तुम्हें डेफिनेटली एसएस राजामौली के डायरेक्शन में बनी रेबल प्रभास की आइकॉनिक मूवी छत्रपति को देखने के लिए रिकमेंड करूंगा। वो भी उसके ओजी वर्जन में देखोगे तो तुम्हें लिटरली पता चलेगा कि सलार का कैरेक्टर डायनासोर क्यों है। तो ये थे वो सलार मूवी के एक्स फैक्टर जिसके सिनेमैटिक बॉम्ब्स के ग्लिम्स द मोस्ट वायलेंट मैन सलार के ट्रेलर के अंदर हमें देखने को मिलेंगे। तो इसी बात पर जीबीएफ का ये वीडियो तुम्हें दिल पे लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना, ज्यादा बात करनी हो तो इंस्टाग्राम और ट्विटर पे आ जाना। तब तक मैं मिलता हूँ किसी नए कंटेंट के साथ, टेक केयर, गुड बाय।